नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि A1, A2, A3 एक हमारे पास सीरीज है, वो AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस 2 है। डिफरेंस क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस 2। सेम टू सेम B1, B2, B3 एक अनदर सीक्वेंस है जो जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो आगे बढ़े। और उसका भी कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन रेशियो होगा उसका, तो वो भी 2 है। तो ये होगा हमारा एक काम। साथ साथ में दिया हुआ है कि भाई A1 इज इक्वल्स टू B1 इज इक्वल्स टू C। सी एक ऐसा नंबर है जो A1 और B1 को साथ में लेके चलता है। अब आगे बढ़े तो हमें चाहिए 2A1 प्लस A2 डॉट 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 प्लस An सो ऑन इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 सो ऑन BN। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली n की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं n की वैल्यू क्या मिलती है। ये AP में है तो 2, यहां पर n टर्म n बाई 2, A1 की वैल्यू C n माइनस 1 और डिफरेंस भी कितना है 2। ब्रैकेट ओवर इज इक्वल्स टू B1, वो भी हमारा C है, मतलब B1 की वैल्यू C है। रेशियो 2 रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 कॉमन रेशियो है। चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं और C को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि मुझे यही वैल्यू चाहिए। अगर सी को आइसोलेट करता हूं तो मुझे n के फॉर्म में मिलेगा और मैं मिनिमम n फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि सी मेरा फर्स्ट टर्म है तो मेरा काम बन जाएगा। वहां पर ये 2 यहां पर कट और यहां पर 2c होगा। तो चलो 2 कॉमन निकालते हैं, 2nc प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। चलो मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2nc प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल्स टू c इंटू 2 रेस टू n माइनस c। जिन जिन टर्म में आपको c दिखाई देता है उन सबको अलग कीजिए। 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n माइनस 2n माइनस 1 इंटू c। तो हमें c की वैल्यू मिलती है 2 रेस टू n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाय 2 रेस टू n माइनस 2n माइनस 1। अब ये मिल गया मुझे c। मुझे चाहिए ऐसी वैल्यू n की कि जो मुझे इस कंडीशन को प्रूव करने दे, मतलब ये c मुझे मिनिमम चाहिए। c क्या चाहिए? मिनिमम। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करो और आपको आंसर मिलेगा कि भाई जब आप n इज इक्वल्स टू 1 रख रहे हो तो a1 इज इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू c मिल रहा है। a1 इज इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? c। तो ये हो चुका इस क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, यानी कि आंसर क्या मिलेगा? 1। तो ये हमारा काम क्लियर हो चुका। अब एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व नहीं किया था, उल्टा हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी साथ में इंक्लूड कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई log of 3 base 3 रेस टू y1 प्लस 3 रेस टू y2 प्लस 3 रेस 3 y3 इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमम। और वो होगी m, स्मॉल m। और वहां पर y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9 है। सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, log of 3 x1 प्लस log of x2 बेस 3 log of x3 बेस 3 इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैपिटल m जितनी है। और इसके लिए भी रिलेशन दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 9। चलो तो हमें चाहिए वैल्यू log of 2 स्मॉल m क्यूब प्लस
log of capital M square base 3, इसकी वैल्यू 3। आंसर पहले बता देता हूं क्योंकि 8 आंसर मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई झंझट कोई मगजमारी नहीं है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। 3 raised to y1 प्लस 3 raised to y2 प्लस 3 raised to y3 डिवाइड बाई 3 की वैल्यू ऑलवेज 3 raised to y1 इंटू 3 raised to y2 इंटू 3 raised to y3 raised to 1/3 से बड़ी होगी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका क्वेश्चन, इस जो आंसर है इसका आंसर 2 मिला और इसका आंसर हमें मिलेगा 2 + 6, हमें मिलेगा 8। तो चलो थोड़ा डिटेलिंग कर देते हैं, आपका भी आसान हो जाए। 3 raised to y1 प्लस 3 raised to y3 प्लस 3 raised to y2 सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर 3 raised to y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है 9। 9 की पावर 3 तो 1/3, और डिनोमेटर जो मल्टीप्लीकेशन डिनोमेटर में जो 3 था वो सामने की ओर लेके जाओ तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 raised to 4। आप दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो क्योंकि हमारे पास ये पूरा टर्म लॉगरिथम में ही है। लॉग ऑफ 3 raised to y1 प्लस 3 raised to y2 प्लस 3 raised to y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 3 raised to 4। यहाँ पर बेस 3 है तो सबका बेस 3 कर दो तो कुछ आंसर इस तरह से मिलेगा। लॉग 3 raised to y1 3 raised to y2 3 raised to y3 बेस 3 की वैल्यू मिलेगी सबसे छोटी वैल्यू 4। तो हमें कुछ आंसर मिला कि भाई ये जो आंसर है स्मॉल m जो मिलेगा हमें 4। इसी तरह से x1 x2 x3 अप्लाई करो, हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसका यूज करो। x1 x2 x3 की वैल्यू यहीं से आगे आप 1/3 करके फाइंड करो, आपको उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। दोनों वैल्यू स्मॉल m एंड कैपिटल m रखने के बाद 6 और 2 यानी कि 6 प्लस 2 कितना मिलेगा 8। तो चलो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 और 13 के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आओ जो